छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन से खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई है। 6 महीने के अंदर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस सरकार पिछले उपचुनाव की तरह जोर लगाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी करेगी। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, जो कि कांग्रेस भी अपनी सीट को बरकरार रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में 2 दर्जन से अधिक आवेदन पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी हाईकमान के समक्ष आवेदन में कोमल जंघेल का नाम खुलकर सामने आया है। संसदीय सचिव रहे कोमल जंघेल विधायक का चुनाव जीतकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। साधना न्यूज की टीम ने कोमल जांगिड से मुलाकात कर उनके राजनीतिक सफर और विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं ललित और आज के राजनीतिक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कोमल जंघेल जी हैं गंडई में, और हम जो है बात करेंगे क्योंकि पूर्व के विधायक भी हैं और भाजपा में प्रदेश स्तर पर भी काफ़ी बड़े चेहरे माने जाते हैं, और हम चर्चा इसलिए भी करेंगे कि महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है उपचुनाव होना है विधानसभा का, जो विधायक थे देवराज सिंह जी उनका निधन हो गया और उपचुनाव में भाजपा से एक वरिष्ठ हैं और पूर्व विधायक है, इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी प्रबल रूप से चल रहा है और हम चर्चा करेंगे विस्तार से, जानेंगे कि किस तरह से अगर टिकट फिर से मिल जाता है तो किस तरह से इनकी जो है प्रयास रहेगी क्षेत्र के विकास के लिए, क्या बोलते हैं और चर्चा। जी, मैं कोमल जंघेल पूर्व विधायक हूं खैरागढ़ विधानसभा से और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य के रूप में हूं और इस क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी दायित्व तो मिलता है इस क्षेत्र में काम करने का उसको पूरा करने का मैं प्रयास करता हूं और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे आजीवन निधि का है, सरल पोर्टर है, ऐसे बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हमारे इस विधानसभा में चल रहे हैं जिनका हम बूथ स्तर पर चला रहे हैं इसको। और अभी खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव का भी अवसर आया है क्योंकि वर्तमान में जो विधायक थे श्री देवराज सिंह जी का निधन अचानक हो गया है, जिसके वजह से भी आने वाले समय में उपचुनाव होना है। साहब, आप पूर्व के विधायक हैं, आपको इस विधानसभा क्षेत्र का अनुभव भी है, ये विधानसभा में किस तरह से जो चुनौती है वो रहता है, चुनौती मानते हैं? हाँ, उपचुनाव में चुनौती तो रहता ही है, हम लोग राजनीति में काम करते हैं और बिना संघर्ष के तो कोई चीज सफलता प्राप्त होता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में जैसा कि अभी चुनाव होना है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, जो भी प्रत्याशी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर से हम इस विधानसभा में जीत के लिए पूरी तैयारी करके हम जीत हासिल करेंगे। और आज कांग्रेस सरकार प्रदेश में है, चूँकि सरकार है, सरकार के यहाँ पर तंत्र हैं और उनके योजना उसके काम इस क्षेत्र में चलते रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्व की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार की योजना, हमारे केंद्र सरकार की योजना एक अलग ही जन कल्याणकारी योजना है और उस योजना के तहत सारे लोग जानते हैं, पूरी जनता जानता है कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, चाहे वो आवास की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे अभी वर्तमान में जल जीवन योजना जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया था, जो घर घर में नल पहुंचाने का जो एक योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, ऐसे कई योजना है जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर नहीं है और
हमारे जो पूर्व में हमारी सरकार रही है 15 साल की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनको इस क्षेत्र के बारे में पूरा ज्ञान है, और जो काम हुआ है चाहे वो साल्हेवारा हो, चाहे बकरकट्टा हो, चाहे विधानसभा के कोई भी क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत का कार्य हो, हर प्रकार के कार्य हमारे 15 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक रूप से इस विधानसभा में काम हुआ है। हमने कभी कल्पना नहीं किया, 60 साल सरकार कांग्रेस की रही है, लगातार कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन 2007 में मुझे उपचुनाव में मैंने विधानसभा लड़ा, मुझे प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय उपचुनाव में मैंने जीता था। उसके बाद 2008 के मुख्य चुनाव जब हुआ उसमें भी 20,000 वोट से जीता, और उसके बाद जो यहाँ पर विकास हुआ है उसकी तुलना हम 60 साल आज़ादी के बाद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो साल्हेवारा में महाविद्यालय की बात हो, चाहे बकरकट्टा जैसे बीहड़ क्षेत्र में अस्पताल की बात हो, ऐसे कई स्थानों पर हमने अस्पताल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सब सेंटर स्वास्थ्य का, और ऐसे कई सड़कें, बहुत सारे काम, चाहे यहाँ जैसे गंडई को ही ले लीजिए, कभी हम कल्पना नहीं किए थे कि गंडई में 133 KV का विद्युत केंद्र बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा काम हुआ, जिसके बदौलत यहाँ पर पूरे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अलग हट के लोगों की आवश्यकता को, लोगों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए काम करती है। और आज कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में है, 3 साल हो गए, कोई अपने वादा पूरा नहीं किया, जिस ढंग से उसने वादा किया हम कर्जा माफी करेंगे और बहुत सारे काम जिसको उसने कहा था, कोई भी काम अभी तक के पूरा नहीं कर पाए। ऋण माफी की बात करते हैं, कई किसान आज भी ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं, कई लोगों को नहीं पाया। अभी आपको पता होगा धान खरीदने की जो यहाँ पे व्यवस्था थी, न बोरा था, न व्यवस्था था, न कुछ नहीं था, किसान बहुत भटके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार के समय किसी भी व्यक्ति को धान बेचने में कहीं प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ, जितना हमने टारगेट बनाते उतना हम धान लेते थे। लेकिन अभी कांग्रेस सरकार ने ऐसे कई प्रकार के बंधन, चाहे रकबा की कटौती हो, चाहे अन्य प्रकार की जो समस्या पैदा हुआ है, जिसके वजह से किसान बहुत तकलीफ हुए। और आज कांग्रेस निश्चित तौर से यहाँ पर सरकार चला रही है, यहाँ पर देखो वातावरण भी देख लीजिएगा, शराब की माफिया पूरे गांव-गांव तक ये फैल चुका है, और जो कांग्रेस सरकार के जो गलत नीति है आप देख रहे हैं कि अपराध भी बढ़ रहे हैं। अपराध की जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, छत्तीसगढ़ से शांति प्रदेश में इस तरह की घटना घटना, एक किसान व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री है, किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है, प्रदेश के बारे में कोई चिंता नहीं है, ऐसे कई प्रकार के मुद्दा इस छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार की है। और हमारी जो मुद्दा है, हमारी जो बातें हैं कांग्रेस के खिलाफ, जो वातावरण इस विधानसभा में है उसका हमको लाभ मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और इसकी जीत साहब, छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है वो लगभग 3 सालों से 2800 रुपया जो समर्थन मूल्य है उस पर धान खरीद रहे हैं करके चैलेंज कर रहा है, और आगामी विधानसभा में भी उनकी तैयारी है, 3,000 आगामी समय में 3,000 रुपये में धान खरीदने का वादा कर रहा है, इसको चैलेंजिंग मानते हैं? देखिए, भूपेश सरकार वादा करती है, गंगा जल को हाथ में लेकर के भी प्रतिज्ञा करती है कि हमने ये काम करेंगे, उनने ये भी कहा था कि मैं शराब को बंद करूंगा, गंगा जल को लिया था, उसने कहा कि मैंने 25 रुपये में धान खरीदूंगा, 25 रुपये में धान खरीदा, लेकिन उसकी जो राशि 4 भाग में देते हैं एक साथ नहीं दे पाते, किसान इंतजार करते हैं उसका, ऐसे उनका कहना, उनके बोलना और करने में काफी अंतर है। बोल जरूर है 2800 रुपये चुनाव के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, लेकिन किसानों के प्रति उसके मन में सही भाव नहीं है। ऐसे कई प्रकार के तकलीफ, चाहे खाद की बात, खाद आप देख लीजिए, खाद बीज की देख लीजिए, सोसाइटी में खाद नहीं है, किसान भटक रहे हैं, ऐसे कई बातें हैं जो कांग्रेस सरकार को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, सिर्फ वादे करती है और कसम खाती है लेकिन वो पूरा नहीं करती, ये कांग्रेस की नीति और स्पष्ट लोगों के सामने है। जंगल साहब, केंद्र की एक महत्वपूर्ण योजना है जो पहले काफी बेहतर तरीके से संचालित होता था, प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो जो योजना है अब डूबती नैया के हिसाब से दिखाई देने लगा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में
ये जो योजना का जो राशि है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कई गरीब परिवार जो है अपना झोपड़पट्टी तोड़कर वेट कर रहे हैं राशि का। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से फंड नहीं आया, केंद्र की सरकार कहती है कि हम राज्य को दे दिए हैं, राज्य के जो जो भूपेश बघेल सरकार है सीएम साहब वो फंड को जो है वापस कर दिए। ये तो सर्वविदित है कि केंद्र सरकार ने पैसा दिया था और समय में पूरा नहीं होने के कारण राज्य सरकार अपना काम अपना समय में पूरा नहीं कर पाए। अनेक बार वार्निंग भी दिया गया और अंत में केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया। ये प्रदेश सरकार की गलती है। आप जानते हैं कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो गरीबों के लिए चिंता करती है और इसी के कारण से उसने आज पूरे गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की। आज तक किसी सरकार ने आवास की चिंता नहीं की थी लेकिन प्रधानमंत्री जी आवास की चिंता की और आज छत्तीसगढ़ में जो दशा है, छत्तीसगढ़ में आवास का पैसा वापस जाने की वजह से आज यहाँ की गरीब जनता ग्रामीण जनता का आवास अधूरा रह गया है। कई लोग अपना घर तोड़ डाले हैं और उनका घर नहीं बन पा रहे हैं। इसका सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ की कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार की जिसके बदौलत आज किसान तकलीफ में है। जगदीश साहब आप भाजपा के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये भी जो दायित्व है काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर का जो दायित्व है किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने मेरा नाम राष्ट्रीय कार्य समिति में पिछड़ा वर्ग के लिए भेजे थे। मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति में पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में मुझे दायित्व मिला है। अभी चुनाव अभी पिछले बार कार्यकारिणी की सदस्य कार्यकारिणी की बैठक हुआ था गुजरात में और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बैठक कोई भी कार्यक्रम निश्चित तौर से बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही अच्छे ढंग से होते हैं। जब जब भी मुझे वहाँ का सूचना होता है बैठक में तो मैं जाता हूँ और जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मिलता है उसको हम पूरा करते हैं। साहब कांग्रेस से लगभग 35 से 40 लोग दावेदारी किए हैं विधायक के टिकट के लिए उपचुनाव के लिए और आपके यहाँ ज़्यादा लोग दावेदारी नहीं किए भाजपा से, काफ़ी प्लस आपके लिए बनता है ये? कांग्रेस पार्टी में हमको भी पता चला है कि काफ़ी लोगों ने दावेदारी की है, कई लोगों का पोस्टर बैनर यहाँ पर लग चुका है, कई लोग स्पीकर चला रहे हैं, कई लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ग्रामों में दिखा रहे हैं और ये मुझे पता नहीं कि किनको टिकट मिलेगा लेकिन कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोगों का नाम हमको सुनने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन की पार्टी है, संगठन जो आदेश करेगी संगठन जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे वो हमारा प्रत्याशी होगा और उसको हम निश्चित तौर से इस उपचुनाव में जिस तरह से हमने 2007 में चुनाव जीते थे उसी तरह से हम 2000 इसमें इस उपचुनाव में हम 2022 की उपचुनाव में हम जीतेंगे और कांग्रेस की जो नीति है उसके खिलाफ बात करके उसके खिलाफ आवाज उठा करके हम भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराएंगे। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि जो पूर्व के जो विधायक है जो स्वर्गीय विधायक है देवराज सिंह जी वो विधानसभा चुनाव में 15 करोड़ खर्च किए थे, काफी गड्ढे करके गए हैं सूत्रों की माने तो, किस तरह से उसको पाटने में सफल? पिछला चुनाव मुख्य चुनाव था उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और मेरा उनके साथ मुकाबला हुआ था देवराज सिंह जी के साथ में जो हम सबके बीच में नहीं है और पता चला कि काफ़ी खर्च किए थे और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत करके संघर्ष करके लोगों से सतत संपर्क करके उनके दुख सुख में खड़ा होकर के ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। और खाई की बात नहीं करता, जिस ढंग से मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है कर रहा हूँ, छोटे छोटे लोगों के घर में जा करके गाँव में जा करके लोगों से सतत संपर्क करके और उनसे जो मेरा जो संबंध है इस क्षेत्र की जनता से इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से किसानों से मजदूरों से यही हमारा आधार रहा है और उसी आधार पे मैंने उनको टक्कर दिया था और सिर्फ 870 वोट से मैंने पीछे हुआ। चूंकि कांग्रेस का लहर था, भारतीय जनता पार्टी भी हम कम सीट से जीते हैं लेकिन खैरागढ़ विधानसभा में सारे विधानसभा से सबसे कम वोट से जीतने वाला सीट था। निश्चित तौर से यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ के जनता मुझ पर विश्वास किया था
जिसके बदौलत बहुत ही कम अंतर से मुझे पराजित होना पड़ा है, लेकिन निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग मुझे स्पष्ट दिखता है कि इस लहर में भी मैं कम अंतर से हारा, और निश्चित तौर से आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए विचार करती है, तो मैं खरा उतरूंगा। यंगे साहब, एक लास्ट सवाल या एक और करते हैं अपन, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि पिछले समय विधानसभा चुनाव में जोगी जनता कांग्रेस के विधायक को लोग पसंद किए थे, खैरागढ़ विधानसभा में काफी टफ रहा, उस समय आप भी विधानसभा चुनाव लड़े, और इस बार तो भूपेश बघेल सरकार है और कांग्रेस से भी एक कहीं ना कहीं दिग्गज प्रत्याशी को उतारेंगे, कांग्रेस जो पार्टी है, चैलेंज होगा, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, चैलेंज तो रहेगा, भारतीय जनता चैलेंज रहेगा, चूंकि चुनाव है और उपचुनाव में निश्चित तौर से दोनों पार्टी मजबूती से लड़ेंगे, और मैं तो बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का आधार कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता का बूथ तक के, बूथ संगठन, बूथ समिति तक के हमारा चैनल बना हुआ है, और उसी के बलबूते हम लड़ेंगे, और चूंकि वो सत्ता में है, साम दाम दंड भेद से वो रास्ता में चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें करके, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ में कमजोर नहीं है, खैरागढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी है, और कार्यकर्ता बूथ तक के जमे हुए हैं, बूथ तक के मजबूत हैं, और इसी मजबूती और इसी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों की बदौलत हम आने वाले उपचुनाव में निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। ये थे कोमल जग्गल जी, जो पूर्व विधायक हैं खैरागढ़ विधानसभा से और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है भाजपा पिछड़ा वर्ग से। लगातार हम चर्चा कर रहे थे और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेश भारद्वाज के साथ साधना न्यूज।